हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पर एक शब्द बताना है, यानी कि जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो। तो जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो, उसके लिए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि वामसाची होगा, वामी होगा, या दक्षिणावर्त होगा, या सभ्यसाची होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभ्यसाची। तो जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो, उसके लिए एक शब्द होता है सभ्यसाची। आगे आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जो व्याकरण का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द होगा। बताइए भाई, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, व्याकरण। व्याकरण उसको कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो आपको यहाँ पुरलिंग शब्द बताना है। चलिए भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, दही जो है आपका पुरलिंग शब्द है। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न है, कहें निम्न में से कौन सा एक वचन है? तो एक वचन में ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? कहें कि होश, जनता, बाल, हस्ताक्षर। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जनता। तो जनता जो है आपका एक वचन होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुछ जो है एक वचन में जो सदैव प्रयोग होते हैं, जैसे आपका सामान हो गया, सामान, सामग्री, सोना, माल, ये आपके क्या हैं भाई? ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो सामान, सामग्री, सोना, माल, जनता, ये आपके कैसे कहलाते हैं? ये आपके सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ जो हैं आपसे पूछा जाते हैं बहुवचन में, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आपसे प्राण पूछता है, ठीक है। प्राण, दर्शन, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। पिछले दाई आपका तो ये एसआई में भी कई बार पूछा गया था, कई शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये आपका बहुवचन है, तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे कि मुझे आज कानपुर जाना है। बताइए भाई, क्या कह रहे हैं कि मुझे आज कानपुर जाना है में वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? कहें कर्ता, कर्म, संबंध या कर्म। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक, तो मुझे आज कानपुर जाना है, देखिए ये रेखांकित शब्द है मुझे, तो यही आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कारक आप जानते हैं आठ प्रकार के होते हैं, कारक जो है आठ प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण का कारक चिन्ह से के द्वारा है, संप्रदान का को के लिए, अपादान कारक का से चिन्ह है, संबंध का की के नानी ने, और सातवां जो है अधिकरण है, में पर है, और आठवां जो है संबोधन है अरे, ठीक। तो इनको आप याद रखिए, से क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है। आइए अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि निम्न में हेतु हेतु मद भविष्यत काल का वाक्य है। कह रहे कि सीता गई होगी, तो ये आपका नहीं। रवि खेलता है, पुस्तक मिले तो मैं क्या करूं, पढ़ूं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी नंबर सही हो जाएगा। हेतु हेतु मद क्या होता है? एक शब्द दूसरे पर निर्भर होता है, तो वहां पे हेतु हेतु मद मद भविष्यत कहलाता है, तो यहाँ जो पुस्तक मिलेगी तो वह क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए भाई अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए भाई, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? इत प्लस आदि, इत प्लस आदि जो है इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ आपकी यण स्वर संधि है। आगे देखते हैं, कह रहे निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको बताना है भाई द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्वंद्व समास आप जानते हैं,
जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, लोटा डोरी में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, देखिए मुंह तोड़ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, भर पेट आपसे ये पूछा गया है, भर पेट में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और चिड़ी मार में कौन सा समास है भैया, आपका तत्पुरुष समास है, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार कहलाता है, तो आपका यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कहने निम्नलिखित में से तत्स्यम शब्द है, तो बताइए भाई तत्स्यम शब्द कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलद जो है आपका तत्स्यम शब्द है। देखिए अगला है, स रंध्री का पर्यायवाची है, कहने विश्व होगा, सहेली होगा, कर होगा, सूर होगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहेली हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कहने निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कहने कच्छप, कुष्ठ, गर्जन या ठाकुर, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ तत्स्यम तद्भव शब्द बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठाकुर जो है आपका तत्स्यम सॉरी तद्भव शब्द है, तो इसका तत्स्यम क्या हो गया आपका ठाकुर होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार आपका यह तत्स्यम हो जाएगा, तो आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि विस्मरण का विलोम होगा, तो आपको यहाँ विस्मरण का विलोम बताना है। देखिए विस्मरण माने आप जानते हैं भूलना, तो क्या होगा भाई आपका ए नंबर हो जाएगा, स्मरण मतलब याद आना। ठीक है, आगे देखते हैं, कहने कि विमुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो विमुख का विलोम शब्द आपको यहाँ बताना है, तो विमुख का शब्द क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन्मुख। अगला है, देखिए आपको निर्देश है, प्रश्न संख्या आपको 52 से लेकर 53 पर आपको मुहावरे और लोकोक्ति को बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, कह रहे कि ठन ठन गोपाल होना, तो सही आपको इसमें मुहावरे लोकोक्ति बताना है, क्या हो जाएगा, कह रहे बेकार होना, कंगाल होना, मुकर जाना या ठन ठन करना, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, कंगाल होना। अगला है, कह रहे कि ऊँट के मुँह में जीरा, आपको यहाँ बताना है कौन सा इसमें मुहावरा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहने की सी नंबर हो जाएगा, जरूरत से बहुत कम, क्या भी जरूरत से बहुत कम मिलना, आगे देखते हैं। चलिए भाई आपको यहां निम्न शुद्ध वर्तनी बताना है, तो बताइए भाई शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अब कीर्ति का शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पी नंबर, अब कीर्ति जो है शुद्ध वर्तनी हो जाए। अगला है, आप कहने निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बतलाना है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाण जो है बड़ा उपयोगी अस्त्र है। देखिए अस्त्र क्या होता है, जिससे हमसे क्या हो दूरी हो जाए, मतलब हथियार जब चलाएं तो हमसे दुश्मन को दूर से ही लग जाए। ठीक है, हम जैसे आपका गोली मारना, ठीक है, और बाण हो गया, भाला हो गया, ये आप भाला देखे फेंक के मारते हैं, हाथ में नहीं लिए रहते ना, भाला हाथ में भी लिए रहते हैं और जैसे जैसे फेंक के मारे वो आपका अस्त्र कहलाता है। ठीक है, जैसे भाला आपने फेंक के मार दिया किसी को तो वो अस्त्र कहलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बाण कह रहे हैं बड़ा उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, और यहाँ देखे कह रहे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, मतलब जैसे तलवार लेके आप लड़ते हैं ना तो वे शस्त्र हो गए, जो लेकर आप हाथ में पकड़ के युद्ध करते हैं वो शस्त्र कहलाता है। ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में आप अंतर भी याद रखिएगा। ठीक है, जो पकड़ कर लड़ाई की जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जो मार कर लड़ाई की जाए उसे अस्त्र कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा या फेंक कर। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको यहाँ बतलाना है भाई, सही कह रहे इसके 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 मात्र एक दो उपाय हैं, इसके एक मात्र दो उपाय नहीं, इसके मात्र केवल दो उपाय नहीं, तो इसके केवल, देखिए जहाँ मात्र आएगा वहाँ भाई केवल नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ मात्र आए वहाँ केवल, बिल्कुल वो तो हमेशा गलत हो जाएगा, तो मात्र ही आए तो केवल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका डी नंबर सही हो जाएगा, इसके केवल दो उपाय हैं। आगे देखते हैं, कह रहे निम्न में से किसमें बड़ा उ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका सी नंबर, जो है चाकू में जो है आपका बड़ा उ का ये एक शब्द होगा, चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। कह रहे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पंक्ति में कौन सा छंद है, कह रहे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो कह रहे कि दिक्पाल है, हरिगीतिका है, रोला है या गीतिका है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, इसमें आपका गीतिका है। देखिए गीतिका क्या होता है, यह मात्रिक छंद होता है, इसमें जो है चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 और 12 के क्रम में कुल 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गीतिका कहते हैं। अगला है, देखिए
कह रहे हैं कि निर्देशन संख्या 61 से 62 निम्नलिखित में से अनेकार्थक अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो कौन सा, इसमें आपको बताना है कि अवस्था और उम्र का जो है आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। देखिए जो हर गीतिका को आपको पहचानने का तरीका है वो आप कैसे पहचानेंगे, ये है। देखिए आपको जब जब इसके अंत में क्या आएगा भाई, इसके अंत में जो लघु तथा गुरु स्वर होता है, ठीक है। तो देखिए ए आपका स्वर है ए, तो आपको यहाँ देखना है कि इसमें जो है अंत में क्या हो जाएगा, इसके अंत में लघु तथा गुरु स्वर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द बताना करें अवस्था उम्र, तो इसका आपको सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्थिति होगा, नाजायज होगा, यात्री होगा, क्षण होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थिति जो है आपका, जिसको दशा भी कहते हैं, इसके दशा भी अनेकार्थी शब्द होगा। तो इस प्रकार आपको ये नंबर याद रखिएगा। अगला है कह रहे कि अनल और आग का आपको इसका अनेकार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विष्णु जो है इसका अनल आग का अनेकार्थी शब्द होगा। अगला है कह रहे कि निशदिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे पद में कौन सा रस है। तो आपको यहाँ बताना है इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा वियोग सिंगार रस इसमें है। अगला है कह रहे कि तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ता 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 ता, देखिए यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको यहाँ रिक्त स्थान बताना है। कह रहे कि तुलसी जैसे स्पेस बिरले ही होते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा भरेंगे, तो आपका नंबर डी भरेंगे, ऑप्शन नंबर महाकवि बिरले ही होते, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ भरेंगे। अगला है कह रहे कि विद्वान का स्त्रीलिंग होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा विदुषी, कौन सा हो जाएगा भाई, विदुषी। अगला है अगला प्रश्न है, देखिए करें निम्न में कौन से कर्म कारक की विभक्ति है। तो अभी बता दो भाई कर्म कारक किसमें से कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें निम्न में से संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पे आपको संदिग्ध भूतकाल बताना। करें कि श्री राम वन चले गए, राजू घर आ चुका, तुम वहाँ गए होगे, रामू चला जाता है। देखिए कह रहे हैं कि तुम वहाँ गए होगे मतलब कि यह संदिग्ध है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आपको यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी में आपका मनस्ताप में आपका विसर्ग संधि है। देखिए मना प्लस ताप, तो आपको यहाँ पर मना प्लस ताप में आपका कौन सा संधि हो गई, मनस्ताप में विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं करें पंकज में कौन सा समास है, करें द्वंद द्विगु कर्मधारय या बहुव्रीहि, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो आप जानते हैं तो बहुव्रीहि समास जिसमें जो है दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो वहाँ आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। तो पंकज जो क्या है, कीचड़ में खिलता है अर्थात कमल, ठीक। तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए द्विगु समास आप जानते हैं, द्विगु समास जहाँ पर आपका पहला पद क्या है, संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफल, चौराहा, नवरत। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। कर्मधारय समाज में क्या होता है भाई, इसमें जो है आपका पहला पद विशेषण होता है, अंतिम पद विशेष होता है या संज्ञा होता है। अगला है कह रहे कि तद्भव शब्द है, तो इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है, तो आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अंधकार होता है, अंधकार होता है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें निम्न में नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो आपको यहाँ नी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। तो उपसर्ग आप जानते हैं, उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले लगता है,
तो बताइए किसमें आपका नी उपसर्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, निवेश। निवेश में आपका क्या है, वेश जो है आपका मूल शब्द हो गया प्लस और नी जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो इस प्रकार आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कहने की परतंत्र का विलोम शब्द है, परतंत्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्वतंत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें निम्न में से परिमाण वाचक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। करें कि वे तीनों घर गए, ये संख्यावाची हो गया, वह अब यहाँ नहीं आया आपका विस्मयादिबोधक हो गया। अगला है कुछ आम लाओ, अगला है जय सुंदर जया सुंदर लड़की है। तो इस प्रकार आपका देखिए यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, आपका सी नंबर सही, कुछ आम लाओ, तो ये क्या हो गया, कुछ थोड़ा, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। और विशेषण आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आपका चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है करें नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। करें कि कोटि करोड़, तो इसका सही अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ए नंबर श्रेणी, जिसको गणना भी कहते हैं, धनुष का सिरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुल आपके 37 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, तो पसंद आएगा है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।